जबलपुर में कांग्रेस नेता की कार में देर रात को असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात से गुस्साए कांग्रेसी नेता और उनके साथी कोतवाली थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने मामले की FIR दर्ज कराई और जल्द ही आरोपियों का पता लगाने की बात कर गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि इन दिनों उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, असामाजिक तत्व लगातार परेशान कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती। बाजू के घर के कैमरे में दिखाए जो कुछ दो असामाजिक तत्व आए, अज्ञात हैं वो, उन्होंने मेरी कार बाहर खड़ी थी टोयोटा फॉर्चूनर, उसमें आग लगाई, कुछ एक छोटा सा विस्फोट हुआ और वो भाग गए। बाजू के कैमरे से सर्च किया तो वो गमछा बांधे हुए हैं और लाल कलर की पल्सर है। किसी से आपकी पुरानी ऊपर आई है या किसी के ऊपर शक? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे बिल्कुल अंदाज नहीं है कि वो ऐसा घटना क्यों हुई है। किसी के ऊपर फुटेज में दिखे हैं क्या? एक फुटेज में गमछा बांधे हुए दिख रहे हैं, बाजू के घर में एक कैमरा लगा है, उस फुटेज में गमछा बांधे हुए दिख रहे हैं। एक गाड़ी जलाई है मेरी गाड़ी, आगे का हिस्सा जलाया है, कुछ पेट्रोल जैसी चीज़ से डाल के आग लगा के भाग के गए हैं, वो कैमरे में आ रहा है। ये जो कांग्रेस के नेता हैं उनके ऊपर तरह तरह से अलग अलग तरीके से, कभी कोई ऑडियो वायरल करके तो कभी, अब इस तारतम्य में क्या हो रहा है कि कांग्रेस नेता रितेश अग्रवाल जी, जो कि बिल्कुल निर्विवाद व्यक्ति हैं और व्यावसायिक रूप से भी इनका कभी किसी से कोई विवाद नहीं है, ना इनका आस पड़ोस से कोई विवाद है, उसके बावजूद भी कल जो कि CCTV फुटेज में आया भी है कि उनके घर पे रात को करीब 2:30-3 बजे के करीब दो व्यक्ति एक बाइक में आते हैं और आकर पेट्रोल डाल के उनकी गाड़ी में आग लगा देते हैं फॉर्चूनर में। वो चूँकि भगवान का बड़ा सौभाग्य था और रितेश अग्रवाल का जो पूरा परिवार है वो काफ़ी धार्मिक वातावरण है उनके घर में, इसलिए भगवान ने एक बहुत बड़ी घटना होने से बचाई। विस्फोट पहले हो गया, कोई बैटरी वैटरी कुछ फटी तो पता चल गया, जिस कारण से कि एक बहुत बड़ी अनहोनी होते होते बची। आग पूरे घर पे भी लग सकती थी, क्षेत्र में लगे हुए मकान है उसमें भी लगती। इस मैं पुलिस प्रशासन से, खासकर SP साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से, कि इस प्रकार की जो घटनाएँ हो रही हैं हमारे क्षेत्र में और उस पर अंकुश लगाया जाए और जो जिसने भी ये घटना घटित करी है इसको जल्द से जल्द इस पे उसको दोषी को पकड़कर उस पे कार्रवाई की जाए। और आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने जो 5 नवंबर को विजय जैन चुन्ना का जो मोबाइल चोरी गया था उसके विषय में भी मैंने दूसरी बार भी एक बार रिवीजन में भी SP साहब को बताया, वो भी जल्द से जल्द, जिसमें अन्नू सिंह जी को, महापौर जी को, अन्नू सिंह जी को का नाम जोड़ के उनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी। हाँ, यह मामला आज सवेरे संज्ञान में आया है। कांग्रेस पदाधिकारी श्री रितेश अग्रवाल जी हैं, निवासी परिजात बिल्डिंग के पास रहते हैं। उनकी फॉर्चुनर गाड़ी है MP20CD7755। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उस गाड़ी को जलाने का प्रयास किया गया था, कुछ फुटेज मिले हैं, उन फुटेज को डेवलप करके उसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।